ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मुतनाज़िया सोशल मीडिया शख्सियत भोला रिकॉर्ड की जानब से ये दावा किया गया है कि उन्हें खामोश कराने के लिए हरीम शाह की जानब से ऑफर्स भी की जा रही हैं और पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों की जानब से उन्हें धमकाया भी जा रहा है। आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। रहीम शाह दे खिलाफ एक वीडियो मैं की थी, ऐलान किया मैं वीडियो चढ़ावगा, पर मनु सियासी गैर सियासी लोगों के बीचों टॉर्चर किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, जिसकी सियासी दबाव के बीच आके मैं थोड़ा जहा ढिला पै गया। कारी महकमे तो सरकारी नंबर तू फोन आते पे ने गल कर रहीम शाह बंदे थी बांझा बंदे की पुत्र बांझा तेरे खिलाफ बहुत सबूत ने आल। आपको बता दें कि दो साल पहले भोला रिकॉर्ड की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें एक गैर मुल्की खातून के साथ अपने दोस्तों को ये पैगाम देते हैं कि उन्होंने इस काम के लिए अपनी जायदादें बेच दी हैं। भोला रिकॉर्ड ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि वो सब्र करें, बहुत जल्द ऐसी वीडियो शेयर की जाएंगी जो कि इंटरनेट को ब्रेक कर देंगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया स्टार भोला रिकॉर्ड ने अपने फेसबुक पेज पर दावा किया था कि सबकी वीडियोस लीक करने वाली हरीम शाह की वीडियोस वो भी लीक करने वाले हैं। भोला ने हरीम शाह से कहा था कि वो सियासतदानों को ब्लैकमेल करना छोड़ दें, नहीं तो तुम्हारी वीडियो भी लीक कर दी जाएगी। अपनी इस पोस्ट के साथ भोला रिकॉर्ड ने हरीम शाह के साथ की जाने वाली वीडियो कॉल का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था। एक ट्विटर अकाउंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर हरीम शाह के साथ फ़ोटोज़ वगैरह बहुत शेयर की जा रही हैं। भोला रिकॉर्ड के नाम से वो ट्विटर अकाउंट है, लेकिन फेसबुक पेज पर भोला रिकॉर्ड ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसका कहना है कि वो ट्विटर अकाउंट इसका नहीं है, इसका कोई भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है, इसके नाम से कोई फेक अकाउंट बनाकर ट्विटर का और इनकी वीडियोज़ को उठाकर वहाँ पर पोस्ट किया जा रहा है। पेज टू वीडियो चौक के भोला रिकॉर्ड ऑफिशियल पेज टू और तू चौक के ट्विटर से वीडियो पोस्ट करता पे तो स्क्रीन आउट करता है, उस पेज में कोई किसा किसा में तलक वास्ता नहीं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।